दंगा प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं। भाजपा को भी नहीं वोट। बहुत ज्यादा हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं तो हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं तो हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं तो दंगल प्रमाण संवैधानिक अधिकार नहीं तो दंगल प्रमाण पत्र नहीं तो हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं तो धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं। धनगर प्रमाण पत्र नहीं वोट नहीं। धनगर प्रमाण पत्र नहीं वोट नहीं। धनगर प्रमाण पत्र नहीं वोट नहीं। आ जाओ तुम्हारी अम्मी नहीं आनेगी ना। मैं दो की दिखाई दे रही पीछे में। भाजपा को वोट नहीं देनी भाई किसी को। दंगल प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं। हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं तो वोट नहीं। हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं तो वोट नहीं। हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं तो वोट नहीं। दंगल प्रमाण अनुज कुमार। अनुज ये जो पोस्टर चस्पा किए गए हैं क्या पूरा मामला है भैया? धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं। हम लोगों ने डीएम ऑफिस से भी धरना दिया। हम पिछले कई महीने से कंटिन्यू लगे हुए हैं लेकिन हमें आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। और हमारा संवैधानिक अधिकार है, सन 1950 से हम SC की 27वें नंबर पे दर्ज है और हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य अंधकार में है। तो हमने ठाना है हम इस बार नोटा दबाएंगे। हमने हर घर पर हम घर घर जा कर के मीटिंग कर रहे हैं और हमको हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमें धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं। तो कितने घरों पे इस तरह के पोस्टर? वार्ड 30, वार्ड 26 हमने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं हर घर पे मिलेगा आपको। क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव पे? 8,500 वोट है इस वार्ड की, किसी पे नहीं जाएगी। पूरे जिले की बात करें तो कितने वोट होगी धनगर की? 40 से 50 हज़ार है, 40 से 50 हज़ार है गिनती में। लेकिन लोग वोट नहीं देंगे भैया जी। आपका नाम? मुझे अरविंद धनगर कहते हैं। अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ से राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूं। नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में सभासद हूं, आनंदपुरी गाजावाली क्षेत्र से। अच्छा, जिस तरह से यहां पे पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं कि धनगर समाज का प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं, किस तरह की ये घोषणा है, क्या कुछ कहना चाहते? देखिए, हमारा समाज धनगर समाज जो है पहले से ही वर्षों से हमारे सर्टिफिकेट पहले बनते आ रहे थे। सन 1976 के बाद हमारी जाति की 5 बार वर्तनी में चेंज करके हमारे साथ कुठराघात किया गया प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा। धनगर का धनगढ़ धांगड़ और धंगर 5 बार इसका नाम बदला गया जाति का। तत्पश्चात समाज के जो मुश्किल से चुनिंदा लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली और माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। माननीय उच्च न्यायालय के बाद हमने फिर दोबारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। उसके बाद सरकार को माननीय उच्च न्यायालय ने घेरा, हमारा शासनादेश जारी हुआ। शासनादेश जारी होने के बाद हमारे समाज के प्रमाण पत्र यहाँ 24 जनवरी 2019 का जो हमारा शासनादेश आया उसके बाद हमारे समाज के प्रमाण पत्र बनने चालू हुए। तो धनगर समाज के कितनी संख्या में मुझे पढ़ने करके अगर बात करें वोट है, कितना नुकसान हो सकता है सरकार को? धनगर समाज की अगर पूरे जिले की बात की जाए, मुजफ्फरनगर के अंदर लगभग 1.5 लाख के आसपास वोट है और नगर मुजफ्फरनगर के अंदर जहां तक बात कीजिए वो 35 से 40 हज़ार या समथिंग 44,000 के आसपास है। दरअसल यहां पर हमारे समाज की दोनों खाप रहती हैं आसपास, लेकिन धनगर समाज बहुत आयात में। जिस तरह से प्रमाण पत्र के लिए आप लोग जाते हो, क्या बात वो लोग कहते हैं, किस तरह से? देखिए, हुआ क्या, दरअसल क्या है कि कुछ लोग हमारे समाज के लोग एक सरनेम अपनाने लगे। सरनेम क्या था, जैसे ब्राह्मण अपने नाम के आगे शर्मा लगाता है, माली अपने नाम के आगे सैनी लगाता है, कश्यप झीमर, धीमर अपने नाम के आगे कश्यप लगाता है, ठीक इसी प्रकार से गडरिया जाति इसकी उपजाति धनगर है। और धनगर का जो 1950 में ही जो संवैधानिक अधिकार की जो लिस्ट तैयार हुई उसमें 27वें नंबर पर निहित है और प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। दिल्ली की लिस्ट में सारी की सारी एक साथ दी हुई है। दिल्ली की जो अनुसूचित जाति की जो लिस्ट है और सामान्य की जो लिस्ट है उसमें सारी की सारी में निहित है और प्रत्येक स्टेट में हमारे अलग अलग जगह से आंदोलन भी हुए और मिल भी रहे हैं।
अब उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग काफी जिलों में हमारे प्रमाण पत्र बन रहे हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर हमारे प्रमाण पत्र रोक दिए गए हैं। हमारे यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय मनोज सिंह जी के आए थे, मनोज सिंह जी फिर इतने बड़े अधिकारी बने, में मुख्य सचिव बने, उन्होंने भी एक शासनादेश जारी किया, समाज कल्याण अधिकारी के मुख्य सचिव बने, और उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि धनगर जाति का पुश्तैनी कार्य है। जो हाईकोर्ट की जो गाइडलाइन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग दिया उन्होंने बिल्कुल क्लियर कि धनगर जाति का क्या पैसा है, कहाँ कहाँ रहती है। पश्चिम जिलों में हमारी जाति का जो अनुसूचित जाति जनजाति बने में मुख्य सचिव बने, उन्होंने भी एक शासनादेश जारी किया, समाज कल्याण अधिकारी के मुख्य सचिव बने, और उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि धनगर जाति का पुश्तैनी कार्य है। जो हाईकोर्ट की जो गाइडलाइन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग दिया उन्होंने बिल्कुल क्लियर कि धनगर जाति का क्या पैसा है, कहाँ कहाँ रहती है। पश्चिम जिलों में हमारी जाति का जो अनुसूचित जाति जनजाति शोध संस्थान है उसकी रिपोर्ट आई, यहाँ तक कि मुजफ्फरनगर के कानूनगो पटवारी ने जांच की। जांच करने के उपरांत मुजफ्फरनगर के अंदर धनगर जाति पाई गई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आप लोग इस गरीब समाज की, सीधे साधे समाज की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। हमने अपने जिलाधिकारी से पूछा कि माननीय जिलाधिकारी महोदय, आप न्यायप्रिय अधिकारी हैं, क्या आप हमें यह बताएंगे कि जो गजेटियर पहले लागू हुआ, जो जनगणना पहले हुई, जो वर्षों से जनगणना हर 10 साल बाद होती आई है, लगभग 1891 या 1901 से मान लीजिए कि जनगणना प्रारंभ होती आई है, प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, शायद ही कोई सी जनगणना ऐसी रही हो। मुजफ्फरनगर गजेटियर में देख लीजिए उठा करके, 1961 में 3852 जनसंख्या है। या तो कोई ऐसा बम बना या कोई ऐसी चीज़ बनी कि धनगर मार दिए गए। अगर धनगर नहीं है, आप बताइए। मैंने जिलाधिकारी मोदी जी से क्वेश्चन पूछा कि क्या, या उन तत्कालीन जिलाधिकारी मोदी से जहां करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है गजेटियर बनाने में, जनगणना कराने में, उनसे वो पैसा वसूला जाए, भले ही चाहे रिटायर हो लिए हों, अगर उन्होंने हमारी धनगर की जनसंख्या दर्शाई है और आज हमें यहाँ ये कहते हैं कि धनगर नहीं धनगढ़ है, तो ये किसकी कमी है? तो किस तरह की समस्याएं आ रही है इससे? समस्याएं देखिए, अभी हाँ आपने देखा कि हमारे हजारों बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। एक तरफ सरकार ढोल पीट रही है शिक्षा का, और दूसरी ओर एक जाति को उसके संवैधानिक अधिकार को छीन लिया गया उस जाति से, कि लोगों से। आप ये देखिए, किसी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार छीनने की, एक तरफ संविधान से देश चल रहा है, दूसरी तरफ संवैधानिक अधिकार छीन रहे हैं लोग। तो कितने घरों पर इस तरह के पोस्टर चिपका किए गए? अभी तो ये सैकड़ों घरों पर पोस्टर चिपका किए गए हैं। अब प्रत्येक जिले में, मतलब प्रत्येक मुजफ्फरनगर के प्रत्येक गांव में ये आवाज़ जा रही है। आज सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है। हमारे युवा कुछ ऐसे भी हैं जो फेसबुक, ट्विटर या जो इतने भी अपन सोशल मीडिया के माध्यम वो चलाते हैं, और वहाँ की, यहाँ की आवाज़ वहाँ तक जाएगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार को सबक सिखा के रहेगी। जी, आपका नाम? मेरा नाम सलोचना। आपके घर के बाहर धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं का पोस्टर लगाया, क्या मामला है पूरा बताओ? जब हमारे बच्चों के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे धनगर के किसी चीज के भी, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे बच्चों का, जब किसी चीज में कोई कार्य नहीं है, कहीं इनका समाधान नहीं है हमारे बच्चों का, तो बच्चे क्या करें? परेशान है हमारे बच्चे। तो इससे शिकायत के लिए आपने किसे कहा, किसी अधिकारी को या किसी से अवगत कराया समस्या से? सबसे शिकायत करी, कोई कहीं सुनवाई नहीं है हमारे बच्चों की, धरना भी दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारे बच्चों की। चुनाव में क्या करेंगे आप, वोट किसे देंगे? वोट उसको देंगे जो हमारे बच्चों का, वोट किसी को नहीं देंगे जब हमारे बच्चों का कोई कार्य नहीं है। तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे इस बार आप? करेंगे हाँ, जब हमारे बच्चों का। कितने घरों पे पोस्टर लगे हैं इस तरह के? सबके घरों पे है, घर घर है सबका। तो सभी पूरे समाज ने जो है, पूरे समाज ने हमारे यो तय कर लिया कि हम किसी की वोट नहीं देंगे जब हमारे बच्चों का समाधान नहीं होगा। आपको लगता है इस तरह की घोषणा के बाद जो है वर्तमान सरकार या जो चुनाव लड़ने वाले और लोग हैं उनको कोई फर्क पड़ेगा? आप लोगों की मांग मानी जा सकती है? अब देखते हैं क्या होता है, सब मान देंगे मांग हमारी तो सही है, नहीं हमारी मांग पूरी होगी तो हम अपना बहिष्कार कर देंगे, नहीं करेंगे वोट।